It was an absolute disaster. It was devastating on my head, on my entire being. It was a shitty film, the shittiest film of the year. क्या क्या बुरी बात सब चीज कुछ कुछ था ही नहीं पिक्चर में. There was nothing. Music. Music. ठीक था. I mean okay. I mean I don't know. I didn't like any part of the film. It was rubbish. No पैसा वसूल. पैसा देके कोई देखने ना जाए पिक्चर. Anything else? जो लोग फिल्म देखने जाएंगे, जो फैन है, क्या वो निराश हो जाएंगे? विजय देवर लिसन, पहली बात तो बॉलीवुड को ये खत्म करनी चाहिए. दे शुड फोकस द स्टोरी लाइन द डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द बॉडी ऑफ द और द फिजिक ऑफ द एक्टर और एक्ट्रेस. दैट मैटर डजंट मेक सेंस. इट वाज एन एब्सोल्यूट शिटी मूवी लिटरली. ऑफ द लेटेस्ट मूवीज दैट आई हैव लिटरली सीन, दिस वाज पार्ट माय मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग. आई वाज सिटिंग थ्रू द एंटायर फिल्म वंडरिंग व्हाट एम आई डूइंग ओवर हियर. एब्सोल्युटली रबिश. हाउ वाज द मूवी, कैसी लगी आपको? किसका काम सबसे अच्छा लगा, क्या खास था? हीरो का काम सबसे बेस्ट था. आउट ऑफ फाइव कितने देते हैं आप? आउट ऑफ फाइव एटलीस्ट फोर एंड हाफ. ओके, तो पैसा वसूल फिल्म है. थैंक यू. इसके बारे में, इसके बारे में. अरे आप, कैसी लगी आपको फिल्म? नहीं, मूवी अच्छी थी, पर मतलब वन टाइम वॉच इट, ज़्यादा कुछ नहीं. मूवी कुछ बैटर, पता नहीं बॉलीवुड को क्या हो गया. बॉलीवुड कंटेंट नीड टू बी इंप्रूव्ड अ लॉट. पाँच में कितने? तीन. सबसे अच्छा काम किसका? लाइगर की मम्मी का था. थोड़े निराश क्यों हैं, क्या बुरा लग रहा है? नहीं, थोड़ा धर्मा प्रोडक्शन में उम्मीद ज़्यादा होती है. स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, काफ़ी सस्पेंस होता है, ट्विस्ट एंड टर्न होता है, बट दैट्स अ होल बोरिंग रोमांस लव ड्रामा है. जो लोग कल टिकट लेकर फिल्म देखने जाएंगे उनको क्या सलाह देंगे आप? अपने रिस्क पे जाना. थैंक यू, थैंक यू. ये आपको मूवी अच्छी है, कास्टिंग काफ़ी अच्छी है. क्या काम अच्छा, क्या चीज़ सबसे अच्छी, किसका काम अच्छा लगा? कास्टिंग वाइज प्रॉपर है, लाइक जैसे कैरेक्टर है उसके हिसाब से लाइक कास्टिंग प्रॉपर हुई है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अनन्या पांडे का जो कॉमिक टाइमिंग है हर चीज़ में, जो चुलबुला पन है, वो काफ़ी अच्छा. तो पैसा वसूल फिल्म है, मतलब वन टाइम मूवी तो है डेफिनेटली. पाँच में कितने? थ्री. म्यूजिक कैसा है? म्यूजिक मुझे लगता है कि सॉन्ग्स की कुछ कुछ जगह तो अननेसेसरी लगा हुआ है, ज़रूरत नहीं है वहाँ पर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट और स्टोरी. और सबसे अच्छा काम किसका लगा? जो जो हमारे हीरो है सर, साउथ के हमारे हीरो विजय. विजय, थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छी लगी, इस कमर्शियल सिनेमा है, आई थिंक ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए. एक्टर का फ्यूचर बहुत अच्छा है, उसने एक्टिंग बहुत अच्छी करी है, और ओवरऑल कमर्शियल है. तो ऑडियंस दो घंटे के लिए आएगी और पैसे वसूल करके देगी. ओके, आउट ऑफ फाइव? सॉरी, आउट ऑफ फाइव? आउट ऑफ फाइव फोर. ओके, सबसे अच्छा काम किसका लगा? एक्टर का काम अच्छा है, जो मेन लीड है वो अच्छा है. म्यूजिक कैसा है? जो लोग कल फिल्म का टिकट लेकर पहला शो देखने जाएंगे उनको क्या सलाह देंगे, क्योंकि आपका रिव्यू देखेंगे लोग? वो फुल ऑन क्या कहते हैं, बिना किसी प्रीकंसीव नोशन के जाएं, रिव्यू ना पढ़े. एक कमर्शियल सिनेमा है, इसको एंजॉय करने के मूड से जाएं और शुरू से आखिर तक एंजॉय करें. थैंक यू, थैंक यू. लगी द फिल्म वॉज नाइस, बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, डायरेक्शन वगैरह, एवरीथिंग, डायलॉग बहुत अच्छे. आउट ऑफ फाइव? पाँच में कितने देती हैं आप? ओके, तो फाइव में आई विल गिव 3.5, क्योंकि कॉमिक और सब कुछ था. तो या सबसे अच्छा काम किसका लगा? ओके, सो इट वाज विजय, क्योंकि उनका जो सारा ऐसे स्टैमर का था वो बहुत मुश्किल है, तो आई फाइंड इट वेरी उनका बहुत अच्छा. म्यूजिक? म्यूजिक वाज आल्सो गुड, सारे म्यूजिक भी बहुत अच्छे थे. थैंक यू. तो फिल्म बहुत अच्छी है. क्या सबसे अच्छा लगा? और सबसे अच्छा तो यही लगा कि एंड अच्छा हुआ, हीरोइन मिल गई है, हमें तो लग रहा था वो छोड़ के चली जाएगी. हाँ, ये हमें बहुत अच्छा लगा. पाँच में आप कितने देते हो? आउट ऑफ पाँच में अगर आपको देना हो तो कितना दोगे मार्क? चार दोगे. चार दोगे? तो जो लोग फिल्म देखने कल जाएंगे, टिकट खरीदे, उनको क्या सलाह दोगे? पैसा वसूल है? बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू. ओके, आई थिंक कैरेक्टर वाइज सब परफेक्ट है, विजय, अनन्या, रॉबिन सब परफेक्ट है. आई एम नॉट अ फैन ऑफ एक्शन फिल्म्स, इट कैन बी वन ऑफ द रीजन कि शायद मुझे फिल्म बहुत अच्छी नहीं लगी. फॉर मी इट्स एन ओके फिल्म. स्टार्स की बात करूँ तो 2.5 स्टार मैं दूंगी. अपार्ट फ्रॉम द एक्शन मुझे स्टोरी वीक लगी, कनेक्टिविटी लगी. आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, गली बॉय वाज अ रैप फिल्म, राइट? एंड इवन दो आई एम नॉट इनटू रैपिंग, बट जो लोग फिल्म देखते हैं लाइक यस उसे जीतना है, रणवीर के कैरेक्टर को, वो कनेक्टिविटी फिल्म में नहीं थी. सो आई थिंक ऑल द पीपल हु आर अ फैन ऑफ एक्शन फिल्म, जिनको हल्की फुल्की कॉमेडी पसंद है और टाइम पास पसंद है, वो जा सकते हैं. अदरवाइज इफ यू मिस ऑल्सो, यू आर नॉट मिसिंग अ मूवी. मैं
विजय देवगौंडा देवरगौंडा बहुत टाइम से चल रहा था कि विजय देवगौंडा आ रहे आ रहे आ रहे आ गए फाइनली आए लेकिन हकलाते हुए आए उसके बाद बोल के वाट लगा दी बोल दिया सब बोल दिया ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है पिक्चर का और अगर मैं मतलब पब्लिक ओपिनियन से बोलूँ तो पिक्चर टाइम पास है बोर नहीं हो रहा है मैंने फाइट है उसमें जो दिखाया है बॉक्सर फेमस बॉक्सर वो दिखाया है लाइक अगर पब्लिक देखने आएगी तो उसको मजा आएगा म्यूजिक बहुत अच्छा है लेकिन अगर अक्ल से देखना है लाइक जैसे क्रिटिक्स लोग देखते हैं तो वो लोग बोलेंगे पिक्चर बकवास है लेकिन मैं अगर बोलूँ पब्लिक के हिसाब से तो पिक्चर एक बार जरूर देखने लायक है मज़ेदार है टाइम पास है अच्छा लगेगा और पाँच में से मैं दूंगी थ्री इसलिए दूंगी क्योंकि पिक्चर पब्लिक के लिए है मैं पब्लिक के तरफ से रिव्यू दे रही हूँ अपनी तरफ से नहीं थैंक यू चल मूवी काफ़ी एंटरटेनिंग है और सबने अपना रोल बहुत बाखूबी निभाया है स्टोरी लाइन थोड़ी सी वीक है मुझे ऐसा लगा पर्सनली बट एक्शन वाइज और एंटरटेनमेंट वाइज बहुत अच्छा मूवी बनाया है एक बार टिकट लेके ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि मूवी बहुत मेहनत से बनती है आउट ऑफ फाइव आई गिव 3 स्टार जो लोग कल फिल्म देखने जाएंगे टिकट लेकर आपका रिव्यू देकर उनको क्या सलाह देंगे ज़रूर देखनी चाहिए बिकॉज जैसे मैंने कहा कि मूवी बहुत मेहनत से बनती है और काफ़ी एंटरटेनिंग मूवी है वन टाइम वॉच मूवी तो मैं ज़रूर बोलूँगा लोगों को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए म्यूज़िक कैसा है म्यूज़िक बहुत अच्छा है और बैकग्राउंड म्यूज़िक इज़ सुपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक दिया विजय का काम कैसा लगा विजय का काम तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं वो और उनके फाइट सीन्स और उनका जो पर्सनालिटी जो बॉडी दिखाई है काफ़ी ज़्यादा अच्छी अनन्या कैसी लगी आपको अनन्या के रोल के हिसाब से अनन्या वॉज गुड अनन्या ने अपना रोल काफ़ी बखूबी निभाया थैंक यू सो अभी मैं लाइगर देखकर आई हूँ अगर आप ये पूछना चाहेंगे फिल्म कैसी लगी तो मेरे हिसाब से उन्हें मज़ा आ गया ऐसा कुछ लगता है देखकर कि किसी ने कहा चंकी पांडे को अपनी बेटी के साथ काम करोगे कर दो किसी ने कहा अच्छा एक स्टोरी बनाएंगे जिसमें माइक टाइसन भी होगा ले आओ किसी ने कहा एक स्टोरी बनाएंगे तो रमैया माँ होगी बट वो एक्चुअली बाहुबली के किरदार में ही रहेंगी मगर बाहुबली में नहीं होंगी वो वर्ली के नाके में बैठेंगी चलो बना लेते हैं सो आई थिंक जिसकी जो फैंटेसी थी उसको उन्होंने साथ में डाला और ये सारा भार डाल दिया बेचारे विजय देवरगौंडा यंग बच्चा है उससे कहा चलो तुम बॉडी बना लो उसने बना ली उससे कहा तुम कपड़े उतार लो उसने वो भी कर लिया ऑल दैट ही इज डूइंग फाइन बट ये सब मिलकर करना क्या चाह रहे हैं इस पिक्चर के अंदर इज व्हाट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बट स्ट्रेंजली इस पिक्चर को देख के गुस्सा नहीं आ रहा है जैसे बेकार पिक्चरों को देखकर आता है आई थिंक ये इतनी माइंडलेस है दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अभी भी ऐसी पिक्चरें बनती हैं इज व्हाट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ये बहुत रिग्रेसिव मूवी है अगर ये पिक्चर चलती है then there is something seriously wrong with the audience right now. हम एक तरफ पिक्चरें बना रहे हैं जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि we will take on Avengers, you know, ब्रह्मास्त्र 5 साल से बन रही है हम एक तरफ लाल सिंह चड्ढा जैसी पिक्चर बनाते हैं जो हमें समझ नहीं आता क्यों नहीं चली है इस टाइम हिंदी सिनेमा को एक एक्चुअली हिट चाहिए दिस मूवी कुड हैव टर्न थिंग्स अराउंड बिकॉज ये साउथ और हिंदी फिल्म का बहुत अच्छा मिक्सचर थी बट दिस इज लाइक ये मजाक है ये पिक्चर नहीं है मेरे हिसाब से Out of five, see, I'm a 20-year-old journalist. मेरे हिसाब से हिंदी फिल्म्स बहुत सीक्रेट कोई भी फिल्म बहुत सीक्रेट है क्योंकि इंसान अपने 3 घंटे 2 घंटे निकाल कर पैसे दे के सिनेमा में बैठ के देखते हैं मेरे हिसाब से सिर्फ एक म्यूजिक और हाँ सी म्यूजिक इज नाइस अगर इस कहानी में थोड़ा सा अकल डाल देते हैं ना तो शायद ये पिक्चर बहुत अच्छी बन सकती है ऐसा नहीं है कि ऐसी फिल्म नहीं चली है शायद जब डिस्को डांसर आई थी तो वो अपने तर्ज पे ऐसी फिल्म रही होगी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती यू नो सडनली खड़े हो जाते हैं या कुछ जीत जाते हैं बट इतना पीछे अपने आप को समय में ले जाना मुश्किल है सो इट इज़ दैट आइडियोलॉजी विजय कैसे लगे आपको विजय देवरगौंडा इज गुड एक्चुअली ही इज एबल टू डू वॉट इस टाइम विजय देवरगौंडा ने जो काम करा है आई डाउट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के यंग लड़कों में वो मसाला है अनन्या को कुछ कमाल लगता है आपको अनन्या ने पता नहीं क्यों ऐसी एक्टिंग करी है क्योंकि गहराइयों में तो काफ़ी सीरियस लगी थी काफ़ी दमदार एक्ट्रेस लगी थी यहाँ तो वो जो चीज़ उन्हें मजाक में करनी चाहिए वो मजाक भी नहीं लग रहा जो सीरियस करना चाहिए वो सीरियस भी नहीं लग रहा सो आई डोंट नो और एक ये नहीं मुझे समझ आया मैं बाकी मेकर से पूछना चाहूँगी रमैया चीख क्यों रही है नॉर्मल पिच थैंक यू